भाई बचपन की कहानी तो ये है कि हम पैदा हुए तो हमने अपने घर में म्यूजिक नहीं देखा। कहीं से गाने की आवाज आ रही है, कहीं से वायलिन की आ रही है आवाज। हमारा घर जो है मौसीकी मंजिल, मतलब म्यूजिक का घर, वो बहुत पुराना है और तकरीबन 800 साल से है। वो एक जगह है पुरानी दिल्ली में, सुई वाला, तो वहां पर है। तो पूरी वो हवेली टाइप की है हमारे बुजुर्गों की। तो वो 2 माले बनी हुई थी, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे 2-3 दलान थे, भाई जमाने होते थे बड़े बड़े दलान, जैसे आजकल कमरे बनने लगे फ्लैट वगैरह में, लेकिन पहले ऐसे होते नहीं थे। दलान होते थे, खुले हुए होते थे वो, और वो जैसे महलों में होते हैं तो वैसे थे। और फर्स्ट फ्लोर पे भी कुछ छोटे छोटे से कमरे टाइप के बने हुए। तो जाहिर है जब हमारा घर ही मौसी की मंजिल में था तो सारे गाने भी आने वाले वही रहते थे। उस्ताद चानखा साहब, मेरे नाना जी, मेरे दादाजी थे उस्ताद उस्मान खान साहब, वो भी वही रहते थे। वो नीचे रहते थे और नाना फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। उस्ताद नसीर अहमद खान तान सम्राट, वो भी मेरे ताऊ जी लगते हैं, तो वो भी वहीं रहते थे। उस्ताद हिलाल अहमद खान, उस्ताद जहूर अहमद खान, ये सारे मेरे ताऊ जी लगते थे। और मेरे फादर उस्ताद जफर अहमद खान, जिनसे मैंने सितार सीखा, वो भी वहीं रहते थे। तो पहले तो सब ज्वाइंट फैमिली रहती थी। आजकल का जमाना वो अलग है कि सब अलग अलग रहते हैं, तो सब बड़े पले साथ ही। तो बस म्यूजिक ही सुनते रहते थे हम सुबह उठते ही। हमारे को जब होश में आया हम लोग, तो हमें नहीं मालूम खेलना कूदना क्या होता है। हमारा खेलना कूदना यही था, कभी नाना ने बुला लिया, हाँ भाई 3 ताल के क्या मात्रे, इस तरह वो पूछते थे। तो सारे बच्चे मिलके सीखते थे। 16, मतलब 10-12 बच्चे थे हम, चाचा ताया की औलादे। तो ये हमारा खेल कूद था। तो के जरबे तो सब बोलते थे 3, वो कहते थे कि इस पर तो 1 पे, 5 पे, 13 पे, इस तरह। तो ये हमारा बचपन रहा। म्यूजिक के अंदर आँख खुली तो हर जगह से ऐसा लगता था कि बस कहीं से वायलिन की आवाज आ रही है, कहीं से सितार की आ रही है, कहीं से गाने की आ रही है, तो ऐसा लगता था। तो हमारा बचपना इन गुनियों के बीच में गुजरा है, जिनके साथ हम लोग रहे हमेशा। और खेलने कूदने का क्या था कि उस जमाने में इंडोर गेम ज्यादा होते थे। हम अपने बचपने में अपने नाना के साथ कैरम खेलते थे, अपने ताऊ जी के साथ 4-5 साल की उम्र में। तो खेल खेल कूद तो हम लोगों ने किया नहीं, बस पढ़ाई की थोड़ी सी, वो भी 11वीं तक, क्योंकि हमारे नाना कहते थे तुम्हारी पढ़ाई तो ये है म्यूजिक की, तुम्हें यही करना है। हाँ, हमारे यहाँ जो एक महफिल होती थी हर फ्राइडे को होती थी, क्योंकि जो दिल्ली में आता था वो चानखा साहब के पास जरूर आता था हाजिरी दे। उस जमाने में दिल्ली में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा था श्रीवालन का, जहाँ मौसीकी का हमेशा, जो भी बाहर से आर्टिस्ट आता था तो वो आके हमारे घर में हाजिरी देते थे और गाना बजाना होता था। फिर वो हमें, पहले हमारे नाना हमें गवाते थे, उस्ताद चानखा साहब, जैसे आमिर खान साहब आए तो उनको गाना सुनाया। अब उन्होंने कहा भाई जरा त्याही लेके दिखाओ। मैं तो, हमारी त्याहियां भी बड़ी स्पेशल होती थी क्योंकि बच्चे थे, तो हमें कभी गिनने का मौका ही नहीं मिलता था। मात्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह जैसे गाना गा लेगा, मैं पता नहीं था पंखा कर रहा है, पंखा चला है, पंखा चला है, पंखा चला है। ये हमारी क्याइयां होती थी कि आमिर खान साहब बैठे हुए, आमिर खान साहब बैठे हुए, आमिर खान साहब बैठे हुए, ये सबसे। और खाली से सबसे आती थी हमारी सब बच्चों की। तो ये इस तरह से वो भी सुनते थे हमारा गाना बजाना। और फिर क्या हुआ, क्या
थोड़े बड़े हुए तो हमारे नाना चाहते थे हम गाना गाएं, लेकिन हमारे पिताजी सितार बजाते थे। हालांकि उन्होंने भी हमारे नाना से सीखा, उस्ताद चांद खान साहब से सितार और बुंदू खान साहब से सीखा, और शमसुद्दीन खान जमालुद्दीन खान थे जो बाद में पाकिस्तान चले गए थे उनसे सीखा। वो बीन कार थे, वो हमारे खानदान के थे लोग। तो फिर हमें सितार का बड़ा शौक था, तो हमारे वालिद ने उस्ताद जफर अहमद खान साहब ने हमें सितार सिखाया, लेकिन वो सितार की टेक्निक बताते थे उसके अंदर, लेकिन सितार में गाना किस तरह निकले वो हम नसीर खान साहब के पास जा जाके सीखते थे, हिलाल अहमद खान साहब के पास, अपने नाना उस्ताद चांद खान साहब के पास, अपने दादा उस्ताद उस्मान खान साहब के साथ। तो ऐसे हमारी तालीम भी हुई थी, और कई बार हलीम जाफर खान साहब भी हमारे नाना के पास आते थे तो वो भी सितार सुनते थे, क्या भाई अब कैसा बजा रहा है आजकल, तो उनको बजाकर सुनाते थे। तो जो भी आता था हमारा पहले बच्चों का जरूर हम वो गाना बजाना सुनते थे हमारे, जैसे असद अली खान साहब के वालिद रवि जी वो आते थे तो उनको भी हम लोग सुनाते थे, और वो भी कुछ ना कुछ बता दिया करते थे कि बेटा ऐसे करो। ऐसे ही फहीमुद्दीन खान साहब के वालिद भी तनखा साहब के दोस्त थे, तो वो भी आते थे हमारे घर पे, वो रोज हम उनके साथ घर पे तो होती थी तालीम। हमारे जाम मस्जिद के पास एक पार्क था एडवर्ड पार्क, जिसको हम घोड़े वाला बाग कहते थे, वहां पर ये सारे बुजुर्ग जाते थे, रहीमुद्दीन खान और फहीमुद्दीन खान साहब के वालिद और असद अली खान साहब के वालिद और अमजद अली खान साहब के वालिद, तो हम अपने नाना के साथ जाते थे वहां, तो उन लोगों की गाना बजाने की बातें सुनते थे और वहां बैठे रहते थे उनके साथ। बहुत छोटे थे, मुश्किल से 7-8 साल के होंगे। हमारे यहाँ तो अभी भी यही है, मेरा बेटा माशाल्लाह PhD कर रहा है, पढ़ाई लिखाई करी, लेकिन जो एक परंपरा चली आ रही है हमारे घराने में, हम अपने सब बच्चों को वो ही कराएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कराएंगे, चाहे उनको रोटी रोजी मिले या ना मिले, इसकी हम परवाह नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है क्लासिकल में पैसा कम, हमें ये भी दिख रहा है आगे फ्यूचर भी थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, लेकिन जो एक परंपरा जो चली आ रही है उसको हम खत्म नहीं कर सकते अपने घर आने से, हमें यही करना है चाहे कितने पढ़ लिख लें या कुछ भी कर लें। और इसमें क्या होता है कि सभी करते हैं बच्चे, कुछ का नाम हो जाता है, कुछ रोटी रोटी कमाने के लायक हो जाती है, समझे आप। तो अभी तक तो यही हमारी कोशिश है, आगे भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि अभी भी हमारे जैसे मैंने सितार शुरू किया तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कब बजाना शुरू किया, एक प्रॉपर 7-8 साल की उम्र से शुरू किया होगा, या जब मुझे होश आया तो मैं सितार अच्छा खासा बजाता था। तो घर में जब 24 घंटे गाना बजाना रहेगा तो हमारा तो खेल ही यही होता है। हाँ, एक विरासत जो है ना, जैसे हमारी विरासत है दिल्ली घराने की, तो ये 800 साल से, मैं उसकी 10वीं पीढ़ी हूँ, मेरा बेटा 11वीं पीढ़ी है, तो हम इस विरासत को अपने जो संस्कार चले आ रहे हैं इसको हम खत्म नहीं कर सकते, हमारी पहचान गाने बजाने से ही है। यार आप यकीन मानिएगा, मेरे पिताजी को अभी इंतकाल हुआ है, 15 साल हुए, और मैं उनके जवान उनके सामने ही पूरे हिंदुस्तान में गा बजा रहा था, कभी उनसे मुझे ये नहीं मिला कि हाँ आज का प्रोग्राम सही था, कभी भी उन्होंने नहीं किया, हमेशा ऐसी जगह बताते थे कि बेटा इसमें बागेश्वरी में ये जो तूने पंचम लगाई है ना, ये इस तरह नहीं थी, इस तरह लगानी थी,
और सारे आर्टिस्ट तारीफ कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े। देबू दा कह रहे हैं बड़ा अच्छा बजाया, सही। निखिल दा कह रहे हैं बहुत अच्छा बजाया, कह रहे नहीं अभी नहीं, मैं ऐसे डिफाइन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हमें बड़ी शाबाशी मिली है कभी भी। चाहे कितना अच्छा बजा लिया, हमने सोचा कि आज हमने झंडे गाड़ दिए, लेकिन घर आके वो ऐसी चीज बताते थे जो हमें रियलाइज होती थी कि वाकई ये कमी रह गई, ये करना था हमें। तो शाबाशी जो घराने में होते हैं ना, शाबाश भी मिलता कभी। एक घर बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं ना, अब ये परे, 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 परेशानी है कि मैं आज भी 2-3 घंटे सो पाता हूँ। रात भर रियाज करो, दिन भर रियाज करो, स्कूल भी जाओ, ये भी करो, वो भी करो, लेकिन फिर ये रहता है कि यार जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। नहीं, वैसे वैसे हमारे नाना जो थे उस्ताद चानखा साहब, वो बड़ा इंकरेजमेंट करते थे, वो कमियां नहीं देखते थे हमारी, वो अच्छाइयां देखते थे। और शुरुआत में उनके कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग, इकबाल भाई हुए, मैं हुआ, शफाक भाई हुए, लतीफ भाई हुए, तभी आगे बढ़े थोड़े। लेकिन जो हमारे ओरिजिनल उस्ताद होते थे, एक बार का मुझे जिक्र याद है कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं बहुत अच्छा केदार बजाया हूँ, और जो नसीर खान साहब की बंदिश है कान पर दान, तेरी मैं तुझे जाने ना दूंगी, तो बड़ी अच्छी बजाया। और नसीर खान साहब उस टाइम पे सुईवालन में नहीं रहते थे, वो मुनिरका चले गए, तो वो मंगलवारी संग होती, रेडियो की मंगलवारी संगीत सभा, वो उन्होंने भी सुनी मेरी, और पहले तो तारीफ करी मेरी कि भाई अच्छा बजाया और बहुत सुर में बजाया और बड़ा अच्छा बजाया। लेकिन कहने के कि बेटा इतना तैयार जो है ना, कुछ 33 आने आ रही थी उसमें, मतलब हद से ज्यादा तैयार था वो बंदिश, उसको उस मुकाम पे नहीं बजाना चाहिए था। तो इस तरह समझाते थे।